जिला महिला अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत एक दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं को संबोधित करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा कि बच्चे को जन्म के एक घंटे के भीतर मां अपना पहला गाढ़ा दूध अवश्य पिलाए, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है जो बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। माँ का दूध बच्चे के लिए पहला टीका होता है। जन्म से 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान करवाना चाहिए। 6 माह से 2 साल की उम्र तक पूरक आहार देने के साथ साथ स्तनपान भी कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मां का दूध अमृत के तुल्य होता है, यह बच्चे को ताकतवर बनाता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार जिले में 3 साल से कम उम्र के महज 38.8% बच्चों ने ही जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान किया, जो कि चिंता का विषय है। इस व्यवहार को बदलना होगा। इसी सर्वेक्षण के मुताबिक 71.2% बच्चों ने 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान किया है। ऐसे व्यवहार को बढ़ावा देना होगा। स्तनपान का सही व्यवहार अपनाने वाली माताओं के बच्चों में आगे चलकर रक्त कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप का खतरा कम हो जाता है। मां के दूध में कई प्रकार के प्राकृतिक और पौष्टिक तत्व होते हैं जो बच्चे को सुपोषित बनाते हैं। इससे शिशु का बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और मां के साथ उसका भावनात्मक रिश्ता और भी मजबूत होता है। बच्चा जब स्तनपान शुरू करता है तभी दूध की मात्रा भी बढ़ जाती है। स्तनपान का समुचित व्यवहार निमोनिया और डायरिया से बचाव करता है, जिससे शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। महिलाओं में स्तन कैंसर की समस्या से बचाव में स्तनपान की अहम भूमिका है। यह बच्चे को इन्फेक्शन से भी बचाता है। बच्चे को स्तनपान कराते समय माँ का हाथ साफ व सुथरा होना चाहिए और विशेष परिस्थितियों में स्तन से दूध निकाल कर भी स्तनपान कराया जाना चाहिए। इस अवसर पर महिला जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर एन के श्रीवास्तव, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के एन बर्नवाल, ARO SN शुक्ला, शालिनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, महिला सभी लोगों का स्वागत है। इस संगोष्ठी में हमारे जैसा सर कर रहे हैं उनका भी स्वागत है, जो IYCM में लोग काम कर रहे हैं, इनकी टीम है जो विश्व स्तनपान दिवस जो है WHO ने जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता गया, जैसे जैसे हम आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ते चले गए, मानव जाति का विकास होता गया और उस विकास के साथ जो है हमारी माताएं भी हमसे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे जाने लगी। लेकिन पता नहीं कब कहाँ यह भ्रांति हो गई कि दूध पिलाने से हम कमजोर हो जाएंगे या हमारा कुछ शारीरिक चित करते हैं। इस पर जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक चिंता जाहिर की और उसके पश्चात उन्होंने एक संकल्प लिया कि प्रत्येक वर्ष अगस्त के प्रथम सप्ताह में हम विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाएंगे और उसमें हर जगह तमाम तरह की गोष्ठियाँ होंगी, तमाम तरह के विचार होंगे लोगों के द्वारा, जिससे कि हम पुनः जो हमारा नवजात शिशु जो हमारे भाग्य विधाता होता है उसके हम उस अधिकार से वंचित न हों। इसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं गोरखपुर की पावन धरती पर। हम लोग यहाँ पर लोगों से आग्रह यही करेंगे कि माँ का दूध जो होता है अमृत होता है। माँ का प्रथम दूध जो होता है ये भरपूर विटामिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स और सभी चीज़ों से भरपूर होता है और कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो यथाशीघ्र बाकी सब कुछ आप करते रहिए, इवन उसकी अम्बिलिकस कॉर्ड काटने के पहले काटते रहिएगा लेकिन उसको माँ के ब्रेस्ट से अवश्य लगा। अगर इसी
इसीलिए बड़ी पुरानी कहावत है, थोड़ा सा आप लोग हंसेंगे भी, कहा जाता है कि अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है तो मेरे सामने आओ। इसका मतलब है बलशाली व्यक्ति वही होता है जो अपनी माँ का दूध पिया होता है। समस्या होती है और वो क्या करती है, बच्चा माँ से दूध है या बच्चा कम वजन का है, तो हम कैसे माँ की मदद करें और कैसे माँ को बताएं कि अपना ही दूध को पिला सके, उसमें क्या क्या तरीका है, किन बातों का ध्यान रखना है। साफ खुद माँ के हाथ को घुमाएं और माँ से बताएं, और जो भी कंटेनर या बर्तन यूज किया जा रहा है उसको भी साफ कराएं ताकि माँ को याद रहे कि उसे इस काम को करने से पहले हाथ 20 से 30 मिनट, और 20 से 30 मिनट की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि 20 से 30 मिनट माँ को दूध निकालना है। एक कम वजन का बच्चा होता है जो एसएमसीयू रहता है, उसका वेट गेन नहीं होता है, उसका रीजन है कि माँ 5 मिनट 7 मिनट निकाल के दूध देती है, बच्चे को पिला दिया जाता है, देगा। ऐसा हम लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में किया है, और ऐसे कम वजन का बच्चा है उसने जब इस माँ ने ऐसा किया तो उस बच्चे का 20 से 22 ग्राम पर डे वजन बढ़ा है। तो अगर हर माँ के साथ इस तरह की सुविधाएं या इस तरह की जानकारी दी जाए तो हर माँ इस तरह का काम कर सकती है। उसके नीचे हमें उंगलियों को रखना है और थंब को ऊपर रखना है, और जब भी ये करते हैं उसके पहले हमें क्या करना है, माँ को बताना है कि ब्रेस्ट पे थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, मसाज करें। जो नाड़ियाँ होती हैं दूध की वो जमी हुई होती हैं, अगर आप उसमें थोड़ा सा ऐसे मसाज करेंगे तो क्या होगा, वो अपने आप पिघलेंगी और दूध अपने आप बहना शुरू हो जाता है, और इसी समस्या की वजह से माँ अपने बच्चे को नहीं पिला पाती क्योंकि उसे पता नहीं कैसे निकालना है। इसको हमें इस तरह से करना है और उसको हमें पीछे की तरफ और फिर हल्का सा आगे की तरफ, पीछे की तरफ प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो एरियोला में दूध भरा है वो आगे की तरफ आएगा, और हम हल्का सा उसको प्रेस करते हैं तो बहुत तेजी से निकलता है। प्राइवेसी का यानी कि यहाँ भी ये करेंगे, प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे, फैमिली के लोग और विदाउट फैमिली लोग नहीं होना चाहिए। अगर हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में पर डे से लेकर पर डे जरूरत पड़ती है, आप क्वार्टर लगा करके भी ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं। जहाँ भी बैठा लेंगे माँ को ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए और थोड़ा सा गैप होना चाहिए। बैठाने से पहले पहला स्टेप है कि माँ को बात करेंगे कि बच्चे के बारे में सोचेंगे, क्यों, क्योंकि जब बच्चे के बारे में सोचती है हमारा क्या हो, प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा यानी जो दूध बनाती है वो ज़्यादा बनता है, और नीचे के लिए करने के लिए ऑक्सीटोसिन सेक्रेट करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। तो पहला स्टेप है कि हम इन दोनों माथे से ऐसे एक ऊपर एक ऐसे करेंगे, एक ऊपर एक ऐसे करने के बाद जो हमारा सामने स्कूल है उसमें हम माँ के हाथ को ऐसे रखेंगे, माँ के सर को इस हाथ के ऊपर ऐसे रखेंगे, और इसके बाद माँ ने जो कपड़े पहने हुए हैं उसको खोल देंगे, दोनों इस तरह नीचे की तरफ लटक जाए यानी कि हैंग करने लगे। इसके बाद बीच में ये रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन है इसको छोड़ते हुए जस्ट बगल में दोनों हाथ ऐसे रखेंगे और एक हाथ ऐसे रख करेंगे नीचे, एक हाथ ऐसे, ये कमर तक हम लेकर के नीचे की ओर जाएंगे, इसको हम करेंगे 2 मिनट तक। दूसरा स्टेप है कि हम ऐसे थंब बनाएंगे और थंब बनाते हुए छोड़ते हुए बगल में ऐसे रखेंगे और हल्का सा क्लॉक यानी कि एंटी क्लॉक करते हुए घड़ी की सुई जैसे घूमती है ऐसे गोल गोल घुमाते हुए वहीं पे दबाएंगे और नीचे यानी कि सफाई। देखिए आज विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया, ये हम लोग अगस्त के प्रथम माह में मनाते हैं। माँ का प्रथम दूध जो होता है वो अमृत होता है, और इसी की जागरूकता बढ़ाने के लिए समस्त माताओं को यहाँ जिला महिला चिकित्सालय में गोष्ठी की गई, और माँ के प्रथम दूध से बच्चे में क्या फ़ायदे होते हैं, माँ को क्या फ़ायदे होते हैं, इस पर गोष्ठी की गई, इसी विषय में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर की समस्त माताओं से यही अनुरोध करूंगा कि बच्चा पैदा होने के 1 घंटे के अंदर अपना दूध अवश्य पिलाएं और 6 माह तक अपना दूध पिलाएं। किसी भी माँ में कम दूध नहीं होता है, माँ का दूध बच्चे के लिए सफिशियंट होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे को अपना दूध पिलाएंगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा दूध का स्राव होगा और आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा।